दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतर बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शिखर धवन और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी और युजवेंद्र चहल की अविश्वसनीय गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के घर में जाकर 3-0 से क्लीन स्वीप कर दी। इन सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से प्रभावित होकर भारतीय दिग्गजों ने इस बारे में कह डाली कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर उन्होंने वाकई में सभी का दिल जीत लिया। आखिरकार भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी ने शिखर धवन, शुभमन गिल और युजवेंद्र चहल पर क्या बड़ा बयान जारी किया है, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग में से आप किसको सिक्सर किंग मानते हैं? इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच एक दिवसीय सीरीज का अंतिम और तीसरा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लिए थे। इन दोनों में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों का बहुत अधिक योगदान था। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। इसमें शिखर धवन ने 56 रनों का योगदान दिया तो वहीं शुभमन गिल 98 गेंदों पर 98 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके बाद भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का और अधिक मौका नहीं मिला क्योंकि बारिश के आ जाने के कारण मैच देरी से चला था, जिसके कारण यह मुकाबला अब 35 ओवर का कर दिया गया था। अब डकवर्थ लुईस के नियम अनुसार वेस्टइंडीज की टीम को 35 ओवर में 257 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था। पारी के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने लगातार वेस्टइंडीज के दो बड़े बल्लेबाजों को गोल्डन डक पर चलता किया। जब मोहम्मद सिराज के प्रहार से वेस्टइंडीज की टीम उभरी ही नहीं थी कि उधर स्पिनर युजवेंद्र चहल ने वेस्टइंडीज पर आक्रमण शुरू कर दिया। इन्होंने वेस्टइंडीज की टीम के 4 बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर आउट कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वेस्टइंडीज की टीम अपने पूरे 35 ओवर भी नहीं खेल पाई और 26 ओवर में 137 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 119 रनों से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले के साथ साथ भारतीय टीम ने सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम का 3-0 से सफाया कर दिया। इसके बाद भारत के दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों पर कुछ बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने भारतीय खिलाड़ी के बारे में बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय खिलाड़ियों ने सभी ने एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत मिली। अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो शिखर धवन और शुभमन गिल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। शुरुआत में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने वहां पर भी बेहतरीन अंदाज में रन बनाए। इन दोनों की आज जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इसके बाद इन्होंने युजवेंद्र चहल की भी तारीफ करते हुए युजवेंद्र चहल को स्पिन गेंदबाजी का किंग बताया है। इसके बाद भारतीय टीम के दूसरे दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने भी बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम के दूसरे सचिन तेंदुलकर तैयार हो चुके हैं। जिस प्रकार से शुभमन गिल ने आज बल्लेबाजी की, मुझे उनमें सचिन की छवि दिखाई दे रही थी। सचिन भी ओपनिंग में आकर इसी तरह की शानदार बल्लेबाजी करते थे। अगर शुभमन गिल इसी तरह आगे भी भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करते रहे तो फिर भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में नए सचिन तेंदुलकर मिलने वाले हैं। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भी भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। किसी भी टीम के घर में जाकर उनको क्लीन स्वीप करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। ऐसा करने में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े कप्तान भी सफल नहीं रहे, लेकिन शिखर धवन ने यह कारनामा कर क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। इसके अलावा शिखर धवन ने शुभमन गिल के साथ मिलकर बल्लेबाजी भी बेहद ही शानदार तरीके से की है। आज भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल ने वाकई में काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है। इन दोनों की वजह से ही भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाई है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने बताया है कि युजवेंद्र चहल ने भी अपनी गेंदबाजी से बेहद शानदार प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को रन बनाने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। भारतीय टीम को जिताने में इनका भी काफी योगदान रहा। दोस्तों, ये थे भारत के दिग्गज खिलाड़ियों के शिखर धवन, शुभमन गिल और युजवेंद्र चहल पर बड़े बयान। इनके बयान से तो साफ है कि ये भारतीय टीम के इन सभी खिलाड़ियों के मुरीद हो चुके हैं, तभी तो ये इनकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी की वजह से भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत मिली है? आप उसका नाम हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।